हेलो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन और साइटेशन के स्टाइल्स कौन कौन से होते हैं। सबसे व्यापक रूप में इस्तेमाल की जाने वाली शैलियां हैं एमएलए, यानी द मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये जो स्टाइल है, ये जो शैली है साइटेशन की, वो अंग्रेजी साहित्य और भाषाओं के क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। दूसरी शैली है एपीए, द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मनोविज्ञान, संचार अध्ययन, शिक्षा और अन्य सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में उपयोग की जाती है। इसके अलावा स्टाइल है शिकागो मैनुअल स्टाइल, जो कि एमएलए के विकल्प के रूप में मानविकी में, यानी इकोनॉमिक्स में यूज की जाती है। सीबीएसई, यानी काउंसिल ऑफ साइंस एडिटर्स, फॉर्मली नोन एज बायोलॉजी एडिटर्स, ये प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित और बायोलॉजी में उपयोग की जाती है। पैराफ्रेजिंग करते वक्त, प्लेजरिज्म वर्ड करते वक्त, क्या अच्छे सोर्स होते हैं और क्या बुरे सोर्सेस होते हैं, यानी कैसे स्रोत हम यूज कर सकते हैं अपने लेखन कार्य में। अच्छे सोर्सेस होते हैं जैसे यूनिवर्सिटी प्रेस, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के सोर्सेस, प्रमुख प्रकाशन घर जैसे पेंगुइन, रैंडम हाउस, ये बहुत अच्छे सोर्सेस हैं जो कि हम अपने लेखन में प्रयोग कर सकते हैं। प्रसिद्ध संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र, सरकारी वेबसाइट्स, ये भी बहुत अच्छे स्रोत होते हैं लेखन में प्रयोग करने के लिए। प्रसिद्ध समाचार पत्र जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, प्रसिद्ध मीडिया स्रोत जैसे बीबीसी, सीएनएन, टाइम्स नाउ, ऑनलाइन पत्रिकाएं और जर्नल्स, यूजीसी लिस्टेड केयर ऑफ जर्नल्स है जो कि गुड सोर्सेस होते हैं, और हम इन गुड सोर्सेस को अपने लेखन कार्य में प्रयोग कर सकते हैं, उपयोग में ले सकते हैं। बुरे सूत्र क्या होते हैं? विकिपीडिया, गैर विश्वसनीय अखबार, पत्रिका, संपादकीय कॉलम, व्यक्तिगत ब्लॉग, और मैं कहना चाहूंगी आजकल का हमारा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, जो कि बहुत ही बुरे सूत्र है। इन पे ये ऑथेंटिक नहीं होते, इतने विश्वसनीय नहीं होते, तो अगर हम इनको अपने लेखन में प्रयोग करेंगे तो हो सकता है हमारा लेख अप्रूव ना हो और प्रकाशित ना हो। क्या करना चाहिए जब भी हम लेखन का कार्य करें? अवलोकन करने के लिए पढ़ना शुरू करने से पहले परिचय, अनुभाग, शीर्षक और निष्कर्ष का स्कैन करें। मतलब क्या परिचय है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, अनुभाग पढ़ें और निष्कर्ष यानी कंक्लूजन को भी पढ़ें। तब आप करें कि वो आपके लेखन, आपका जो शोध कार्य है उसमें उपयोग करने लायक है या नहीं, उचित है कि नहीं। फिर आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी सोर्स पढ़ रहे हैं या थीसिस पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स लें, मुख्य विचारों को नोट करें, अपनी दिलचस्प जानकारी को अपने शोध के अनुसार हाईलाइट करें, और पढ़ने के बाद, नोट्स लेने के बाद खुद के शब्दों में उसका सारांश लिखें। तो इस तरह से जब आप पहले ढंग से उसको पढ़ लेंगे, शीर्षक ले लेंगे, नोट्स ले लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे और अपने शब्दों में समराइज कर लेंगे, सारांश लिख लेंगे, तो आप प्लेजरिज्म से अपने आप बच जाएंगे। क्या ना करें, मूल स्रोत से कोटेशंस की एज इट इज प्रतिलिपि ना बनाएं, यानी कोटेशंस की नकल ना करें, कोटेशन चिन्हों का उपयोग करें। मैंने आपको रेफरेंसिंग में पिछले वीडियो में बताया था, तो आपको पृष्ठ संख्या नोट करनी बहुत जरूरी है। जब आप पढ़ी गई सामग्री में अपनी टिप्पणियों को जोड़ रहे हैं, तो अपने नोट में स्पष्ट रूप से इंगित करना सुनिश्चित करें कि भी नोट में आप जब नोट करें तभी नोट कर लें कि कौन सा प्रश्न संख्या है, कोटेशन क्या डलेगा, ऑथर का नाम आदि साथ साथ नोट करते चलें। सभी ग्रंथ सूची की जानकारी रखें, जैसे लेखक का पूरा नाम, शीर्षक, उपशीर्षक, पत्रिका और वॉल्यूम का, पत्रिका आदि का वॉल्यूम और वॉल्यूम नंबर, प्रकाशन की तारीख, वेब पेज, डेटाबेस, जर्नल लेखों की पूरी प्रश्न संख्या और जानकारी को पुनः प्राप्त करने की तारीख आदि। यानी जब तक, जब आप किसी ग्रंथ का, मूल ग्रंथ का स्रोत अपने लेखन में प्रयोग कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इन सब चीजों को जरूर नोट करके रखें, ताकि आप जब फाइनली अपना लेख लिखेंगे तो इनको मेंशन कर सके, इनको बता सके और साहित्यिक चोरी से बच सके। क्या ना करें, एक अनुच्छेद या अंश की प्रतिलिपि बनाएं और केवल एक बार समय शब्दों को यहाँ और वहां बदलें, इसको हम प्लेजरिज्म कहते हैं। यानी साहित्य चोरी कहते हैं कि हमने नकल कर लिया और इधर उधर दो चार शब्द बदल दिए और
अपने नाम से प्रस्तुत कर दिया। इसे इसको पैचिंग कहते हैं और ये एक साहित्यिक चोरी का रूप है जो कि मान्य नहीं है। सामग्री को सीधे अपने पेपर में बिना सारांश पैराफ्रेजिंग या कोटन के कटिंग और पेस्ट के करना, मतलब आपने कोटेशन भी नहीं दिया, समराइज भी नहीं किया, पैराफ्रेजिंग भी नहीं की और कट और पेस्ट कर दिया सीधा, तो ये भी साहित्यिक चोरी है। और साइट करना ही भूल गए कि भाई आपने साइटेशन ही नहीं दिया, उसको मेंशन क्रेडिट ही नहीं दिया मूल लेखक को, तो ये भी साहित्यिक चोरी कहलाएगा। तो इस इन सबको करने से बचे, यानी पैचिंग करने से बचे, कट पेस्ट करने से बचे और साइटिंग करना ना भूलें। प्लेजरिज्म की जांच कैसे की जाती है? प्लेजरिज्म की जांच के लिए जैसे कि आपको ये देखा जाए कि ये जो है हमारा ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है, कि मिंट प्लांट हैज बीन रिपोर्टेड टू पोजेस, ये पूरी लाइन, और कहाँ से ली गई है ये एक पेपर का नाम है, किसने लिखा है, बबन स्क्वाडो थामकर, अमोल जी, प्रियंका, वैभव कलमकार, और इन्होंने ये लिखा है। जर्नल का नाम है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ब्रेन फार्मेसी, अप्रैल जून 2016 में पब्लिश हुआ था, 10वें वॉल्यूम, 10वें एडिशन के सेकेंड वॉल्यूम में हुआ था और पेज संख्या है 73। तो ये ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है और सोर्स लिया गया है यहाँ से, ठीक है। एक पेपर का उदाहरण दे रही हूँ मैं आपको, ये जूलॉजी का पेपर है। अब इसमें आप देखिए, पहला वर्जन, हमने पिछले ओरिजिनल सोर्स से शुरू की चार लाइनें, चार पांच लाइनें ले ली, पांचों लाइनें ले ली, तो ये और इसको पब्लिश कर दिया। यहाँ पर पहला वर्जन क्या है कि हमने एज सच इसको पूरा कॉपी कर लिया, वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लिया, ओरिजिनल पेपर की एग्जैक्ट कॉपी है, तो ये प्लेजरिज्म है, क्योंकि यहाँ पर ना आपने साइटेशन किया है, ना ऑथर का नाम लिखा है, ना टाइटल लिखा है पेपर का, कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये साहित्यिक चोरी मानी जाती है, मानी जाएगी। इसका अगला एग्जांपल है कि जैसे मेंथा फार्मेसिस हैज मेनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज एज मेंशन बाय बब्बन एट अल इन 2016। तो ये जो है, देखिए यहाँ पे मैंने वर्जन में बबन का नाम डाल दिया, बबन एट अल हम लिखते हैं और साइंटिस्ट के लिए, बाकी जो और साइंटिस्ट में जुड़ते लेखक, तो बबन और उसके साथियों ने 2016 में ये कहा, और ये कहाँ पर है, पेज नंबर 73 में, और नीचे हमने रेफरेंस लिख दिया, उस पेपर का नाम लिख दिया, सारे ऑथर्स का नाम लिख दिया, पेपर का टाइटल लिख दिया, जर्नल का नाम लिख दिया, पूरी डिटेल लिख दी, किस महीने में पब्लिश हुआ, किस वर्ष में हुआ, किस वॉल्यूम और एडिशन में हुआ, और पेज संख्या लिख दी, पूरा रेफरेंस नीचे लिख दिया। तो ये करेक्ट वर्जन है किसी भी पेपर के मूल पेपर को रेफरेंस देने का या साइट करने का। तीसरा वर्जन, अगर हमने यहाँ पर टेक्स्ट तो एज सच कॉपी कर लिया, आप देखिए, पर रेफरेंस नीचे दिया है, टेक्स्ट में यानी पाठ में हमने कहीं पर भी बब्बन और उनके साथियों का नाम नहीं मेंशन किया, ना ही जर्नल का नाम मेंशन किया है, ना ही पेज संख्या या कुछ यहाँ मेंशन की है, तो ये भी साहित्यिक चोरी है, पैराफ्रेजिंग है, ये गलत है। हमको इसे करना है कि यहाँ पर हमने ये डाल दिया बब्बन एट आल और 2016 और पेज 73, तो ये करेक्शन हो गया कि हमने ये चीज डाल दी और नीचे रेफरेंस दे दिया, यही करेक्ट मेथड है, सही मेथड है किसी लेखक को कोट करने का या साइट करने का। तो आप होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि बबन एट अल ने हम किसी भी लेखक का, उसका शुरू के ऑथर का नाम, उसका पब्लिकेशन का साल, वॉल्यूम और ये सब हम अपने टेक्स्ट में पार्ट के अंदर साइट करके डाल सकते हैं। कौन कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं टू चेक प्लेजियरिज्म? प्लेजियरिज्म को चेक करने के लिए टर्निटिन एक पेड सॉफ्टवेयर है जो संस्थान द्वारा खरीदा जाता है और प्लेजियरिज्म चेक किया जाता है। ये 30 मिलियन शोधकर्ताओं द्वारा प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक ओरिजिनलिटी रिपोर्ट देता है जो यह बताता है कि आपका टेक्स्ट कितना मूल और कितना ओरिजिनल है और कितना प्लेजराइज्ड है, यानी कितनी आपने उसमें साहित्य चोरी की हुई है।
अच्छी सटीक हर लाइन की आपको रिपोर्ट देता है, ओरिजिनलिटी रिपोर्ट की कितना ओरिजिनल है। दूसरा है एक गूगल क्रोम एक्सटेंशन है freepostseo.com, ये फ्री सॉफ्टवेयर है टू चेक प्लेजरिज्म। तो इसके मदद से भी आप अपना आर्टिकल freepostseo.com पे जाएं और वहां पर अपना आर्टिकल पेस्ट कर दें, तो वो आपकी रिपोर्ट एक रिपोर्ट पेश कर देता है कि आपका कितना आपने ओरिजिनल है और कितना आपका चोरी किया हुआ साहित्य है। टर्निटिन रिपोर्ट को पढ़ने के लिए हम इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर जैसे एक ओरिजिनलिटी रिपोर्ट टर्निटिन की आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है 15% सिमिलैरिटी इंडेक्स, 9% इंटरनेट सोर्सेस, यानी 15% इंडिकेट्स कि आपका जो लेख है उसमें से 15% दूसरे लेखों में भी पाया गया है और 9% इंटरनेट सोर्सेस से लिया गया है, तो ये प्लेजराइज्ड है। और कितना प्लेजराइज्ड है? 2% प्लेजराइज्ड है। तो ये इस तरह से आप टर्निटिन की रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं, आपको पता लग जाता है कि आपका कितना परसेंट प्लेजराइज्ड है। और प्लेजरिज्म जहां तक है मेरे ख्याल से 10% तक अलाउड होता है प्लेजराइज करना, और उसके बियॉन्ड आप 10 शब्दों से ज्यादा आप प्लेजराइज नहीं कर सकते। तो ये था प्लेजरिज्म के बारे में पूरा। थैंक यू।